तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम हमारे ट्रांसफार्मर का कोर और ट्रांसफार्मर को रिमूव कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्लेट निकाल ली है। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर फ्रेंड्स कोर यूज़ हुए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर हम आगे काम में लेंगे हाई वोल्टेज प्रोडक्शन में। उसका वीडियो मैं अगला वीडियो फ्रेंड्स उसी पे बनाऊंगा, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज का फ्रेंड्स जो टॉपिक है वो है कि ये ट्रांसफार्मर इस प्लेट के अंदर से सेफली कैसे रिमूव कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो प्लेट है ये किस में से निकाली है, उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पुराना टूटा हुआ अडेप्टर है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का फ्रेंड्स ये प्लेट मैंने इसमें से निकाली है, इसके अंदर ये फिट हुई हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये प्लेट मैंने इस टूटे हुए अडेप्टर में से निकाली है। फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है जो हमारे डिश में काम आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कोर को रिमूव करने वाले हैं। तो इस कोर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे। और सोल्डरिंग आयरन का पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा है कि घर पे कैसे बनाते हैं सोल्डरिंग आयरन, तो ज़रूर से आप उसको वॉच कर लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा सोल्डरिंग आयरन का। तो अब फ्रेंड्स, हम इसको रिमूव करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इस ट्रांसफार्मर के, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस ट्रांसफार्मर के हैं, और फ्रेंड्स इन पॉइंट्स को हमें सोल्डरिंग आयरन रख के इसको डीसोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान प्रोसेस है, मैं आपको ढंग से बताऊंगा इसके बारे में। अभी फ्रेंड्स मैं आपको सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताता हूँ, इसको कैसे डीसोल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको रिमूव कर लिया है। आप फ्रेंड्स सोल्डरिंग आयरन से इसको ध्यान से रिमूव कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने इसको डायरेक्टली सोल्डरिंग आयरन से रिमूव करा था। तो फ्रेंड्स, रिमूव करते वक्त मेरे से कुछ गलती हो गई, उसके कारण यहाँ से हल्का सा ब्रोक हो चुका था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप इसको रिमूव कर लेना, और फिर रिमूव कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये जो इसकी टेप है फ्रेंड्स कोर के ऊपर, ये उतार देनी है। तो फ्रेंड्स, इससे इसका जो कोर होगा फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स जो एक मतलब जिस टेप से कोर रुक रखा है वो नहीं रुकेगा फ्रेंड्स। अभी देखना आप, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ इस तरीके से टेप आप उतार लीजिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसकी टेप मैंने उतार लिए ढंग से। अब टेप उतार लेने के बाद में फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसका ये जो कोर है, तो फ्रेंड्स कोर रिमूव करने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। कोर रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स, आपको ये जो ट्रांसफार्मर है इसके साइड में एक धागा बांध देना है, और धागा बांध देने के बाद में आपको इसको गर्म उबलते हुए पानी में रख देना है। उससे फ्रेंड्स इसका कोर जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको 15 मिनट तक इसे उबलते हुए पानी में रखना है, वो गैस पे चढ़ा के फ्रेंड्स, उससे इसका कोर जो है ढीला हो जाएगा। फिर आपको झटके से इसको पूरी पावर लगा के खींचना है इसके कोर को। फ्रेंड्स, कोर खींचते वक्त ध्यान दीजिएगा क्योंकि कोर बहुत नाजुक होता है और ये टूट भी सकता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसको कोर को खींच लीजिएगा और ये रिमूव हो जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स, कोर रिमूव करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसका कोर रिमूव कर दिया है, और फ्रेंड्स मैंने इसको गर्म पानी में डालकर इसका कोर रिमूव करा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम कोर इसका सेपरेट हो गया है, और ये रहा हमारा प्लास्टिक ट्रांसफार्मर अलग हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको इसकी ये वाली टेप रिमूव कर देनी है। टेप रिमूव करने के बाद का फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो बताऊंगा ढंग से। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की टेप, इसको आपको रिमूव कर देनी है। फ्रेंड्स, कोर रिमूव करते वक्त फ्रेंड थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कोर बहुत नाजुक होता है और वो किसी भी वक्त टूट सकता है अगर आपने उस पर ज़्यादा फोर्स दे दिया तो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वायर है फ्रेंड्स, आप इसको काम में ले सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे कोई काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पूरे को। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये वायर रिमूव हो चुका है। अब फ्रेंड्स, आपको एक और टेप मिलेगी। फ्रेंड्स, ऐसे करते करते आपको ये पूरा यहाँ से हटा देना है इसका, और ये आपको एक प्लास्टिक मिल जाएगा।
जिस पे फिर आप फ्रेंड्स आगे का अपना प्रोसेस कर को मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये वाली टेप रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कर फ्रेंड्स ये पूरा हमारा जितनी भी इसकी वाइंडिंग है पहले से, वो सब हमें हटा देनी है जिससे कि हम हमारा खुद का एक नया ट्रांसफार्मर बना सकें फ्रेंड्स। तो ये चीज़ यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना रिमूव। फ्रेंड्स अब आपको ये वाला वायर बिल्कुल सेपरेट कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वायर हमारे कोई काम का नहीं है। और फ्रेंड्स आप चाहो तो इस वायर को किसी काम में ले सकते हो, बाकी अभी ये मेरे कोई काम का है नहीं, तो इसलिए मैं इसको पूरा सेपरेट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको पूरे ट्रांसफार्मर को अलग करके फिर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आगे का पूरा सेटअप। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कोर रिमूव हो गया। तो फ्रेंड्स अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी कोर पे फ्रेंड्स वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आने वाला वीडियो है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, उसे जरूर जरूर देखिएगा फ्रेंड, जरूर से आप उसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।